अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का एक छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ये टॉपिक बहुत छोटा है, मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो टॉपिक मैं करवा रही हूं, इसे एक सेपरेट टॉपिक के रूप में करवाऊंगी, क्योंकि इस टॉपिक का बहुत ज्यादा उपयोग नेक्स्ट चैप्टर 3D ज्योमेट्री में होने जा रहा है। आज 20 मिनट का लेक्चर होगा, लेकिन इससे 2 ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन सिर्फ आप 20 मिनट पढ़ने के बाद ग्रास्प कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूं आज का टॉपिक, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। मान लेते हैं लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैंने मान लिया एक वेक्टर है। अब इसके बारे में, इस वेक्टर के बारे में क्या क्या आप पहले से ऑलरेडी सीखे हुए हैं? आप बच्चे सीखे हुए हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना, रूट अंडर आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट, के कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। आप बच्चे सीखे हुए हैं स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। वही तो होता है डायरेक्शन रेशियो। अगर मैं इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, जिसे मैं dr बोलती हूं, dr ऑफ वेक्टर ए, dr ऑफ वेक्टर ए मीन्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए होगा आई कैप का कोएफिशिएंट कॉमा जे कैप का कोएफिशिएंट कॉमा के कैप का कोएफिशिएंट। यही होता है डायरेक्शन रेशियो। इसी का दूसरा नाम है स्केलर कंपोनेंट। डायरेक्शन रेशियो को ही कहते हैं स्केलर कंपोनेंट। मींस अगर वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट पूछा जाएगा तो भी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ही होगा। अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात कर लूं, डायरेक्शन कोसाइन की बात कर लूंगी, तो आखिर डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है समझ लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन होता है कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप इन वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इट मींस मैं सबसे पहले कैलकुलेट करने जा रही हूं वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कैसे कर लेंगे? सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगी वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये होता क्या है इसे देखते हैं। वेक्टर ए है हमारा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, इसी में मैग्नीट्यूड ए से डिवाइड कर दिया। मींस एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई कैप वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए जे कैप जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए के कैप। यही हमारा आ गया। इसी में अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए चाहिए, तो आई कैप का कोएफिशिएंट
आई कैप का कोएफिशिएंट कॉमा जे कैप का कोएफिशिएंट कॉमा के कैप का कोएफिशिएंट, यही तो है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस नाम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, आखिर कहते किसे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है। डायरेक्शन कोसाइंस को सिंबॉलिकली डीसी कहते हैं। कोसाइन मींस कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा। कोसाइन मींस कॉस, कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा, कोसाइन ऑफ गामा। यहां ये अल्फा बीटा गामा क्या है समझ लेते हैं। यहां हम लोग इसी का एक और नाम है एल एम और एन। एल कॉस अल्फा को कहते हैं, एम कॉस बीटा को और एन कॉस गामा को। इसी एल एम एन को हमने ये जो कंपोनेंट निकाला यह भी हमारा डायरेक्शन कोसाइन ही है। डायरेक्शन कोसाइन को इस तीन तरीके से देख सकते हैं। अब यहां अल्फा बीटा गामा समझा देती हूं। मैं मान लेती हूं ये आई कैप जे कैप के कैप, हमारा वेक्टर है ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये ओरिजिन, यही है हमारा वेक्टर ए। ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे अल्फा बोलेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे बीटा बोलेंगे, और ये वेक्टर पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे गामा बोलेंगे। बहुत अच्छे से सीखिएगा अल्फा बीटा गामा होता क्या है। तो यहां मैं लिख रही हूं वेयर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा इज द एंगल। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, ये एंगल है। कौन सा एंगल, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, ये एंगल वेक्टर ए, मैं वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइंस चाहती हूं, कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा होगा, जहां अल्फा बीटा गामा इस वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, यही होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। मैं बहुत यूज करूंगी, आज मैं 5 क्वेश्चन आपको करवाऊंगी डायरेक्शन रेशियो का, डायरेक्शन कोसाइंस का। उसमें आप देखेंगे कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा अल्फा बोलेंगे, ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे बीटा बोलेंगे, और यही वेक्टर जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे गामा बोलेंगे। यही हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा एंड गामा। अब एक बात सिखाती हूं आपको, ये जो अल्फा बीटा गामा है ना, इन तीनों को मिलाकर एक रिजल्ट होता है। वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट का पहला पॉइंट है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1। आप देखेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जब करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। अभी अभी मैं आपको पहले पढ़ाई कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा
कॉस स्क्वायर गामा वन होता है तो इसी कॉस अल्फा का एक नाम है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वन होता है। इट मींस इसी का तो ये नाम था। मैं आपको बता दूं स्टेट बोर्ड पूछती है ऑब्जेक्टिव में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होगा और ऑप्शन देती है जीरो वन माइनस वन और नन। हम करेक्ट आंसर वन टिक करेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन वन होगा। रिजल्ट तो यही है लेकिन हमारे सीबीएसई बोर्ड में क्या पूछा जाता है देख लीजिए। ये कॉस स्क्वायर अल्फा सीबीएसई इसको पूछती है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा। ये स्टेट बोर्ड पूछती है और ये सीबीएसई पूछती है तो हमें जब ये मालूम है तो मैं ये निकाल सकती हूं। कैसे? इस साइन स्क्वायर अल्फा को लिख सकती हूं वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इस साइन स्क्वायर बीटा को लिख सकती हूं वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इस साइन स्क्वायर गामा को लिख सकती हूं वन माइनस कॉस स्क्वायर गामा। वन प्लस वन प्लस वन हो जाएगा, वन प्लस वन प्लस वन थ्री हो जाएगा। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, हमारा रिजल्ट आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। थ्री माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू वन होती है। इट मींस अल्टीमेटली थ्री माइनस वन टू, इसकी वैल्यू पूछी जाएगी, आंसर होगा हमारा टू। मैं आपको बता दूं अब जैसे मैंने नोट का पहला पॉइंट यहां लिखा मैं नोट का दूसरा पॉइंट यहां लिखती हूं इस रिजल्ट को। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू टू होती है। ये क्वेश्चन वन मार्क्स में सीबीएसई के द्वारा पूछा गया है। अब आप देख लीजिए इतनी ही थ्योरी पे मैं आपको टोटल क्वेश्चन करवाऊंगी। अब आपको अभी जितनी थ्योरी लिखी हुई है बोर्ड पर उसको देखना है और अब कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले मैंने मान लिया इस क्वेश्चन को फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड हेंस कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। मैंने मान लिया लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू, मैंने मान लिया वेक्टर ए ये है। मैंने पढ़ाया है डायरेक्शन की बात करते हैं, अभी तुरंत तो पढ़ाई थी डायरेक्शन रेशियो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मींस डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए आई कैप का कोएफिशिएंट जे कैप का कोएफिशिएंट के कैप का कोएफिशिएंट आ गया आंसर। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब पूछा गया एंड हेंस डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस पूछा जा रहा है। उसके लिए पहले मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा। मैग्नीट्यूड आई कैप का कोएफिशिएंट जे कैप का कोएफिशिएंट एंड के कैप का कोएफिशिएंट, एक प्लस चार ये आ गया थ्री। इसलिए वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप अपॉन थ्री। इसे अलग अलग लिख सकते हैं वन बाई थ्री आई कैप टू अपॉन थ्री जे कैप फोर बाई थ्री के कैप। अब हम लोग मैंने वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल दिया
क्वेश्चन में क्या पूछा था, एंड हेंस डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, आई कैप का कोएफिशिएंट जे कैप का के कैप का, इसमें तो मैं लिखूंगी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए, आई कैप का कोएफिशिएंट कॉमा जे कैप का कोएफिशिएंट कॉमा के कैप का कोएफिशिएंट। हमारा दोनों काम हो गया, कौन कौन, डायरेक्शन रेशियो एंड हेंस डायरेक्शन कोसाइंस। ये तो प्रैक्टिस पर्पस से था, अभी मैं चार पांच क्वेश्चन और इसी कॉन्सेप्ट पर करवाती हूं। दो सिंपल क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए हैं। क्वेश्चन है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो पूछा जा रहा है 3a प्लस 2b का, और दो गिवन वेक्टर हैं। सबसे पहले मैं गिवन वेक्टर्स को लिख लेती हूं। वेक्टर ए i प्लस j माइनस 2k, वेक्टर बी 2i माइनस 4j प्लस 5k। कैलकुलेट करने को कहा जा रहा 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b, 3 इंटू वेक्टर ए आई प्लस जे माइनस 2k प्लस 2 इंटू वेक्टर बी, वेक्टर बी है 2i माइनस 4j प्लस 5k। 3 वन जा 3, 3 इंटू जे, 3 टू जा 6k, 2 टू जा 4i कैप, 2 4 जा 8j कैप, 2 5 जा 10 के कैप। अब समझ लेते हैं यहां से 3i प्लस 4i 7i, 3j माइनस 8j माइनस 5j माइनस 6k प्लस 10k प्लस 4 के कैप। ये हो चुका 3 वेक्टर a प्लस 2 इंटू वेक्टर b, ये हमारा रिजल्ट आ चुका। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है द डायरेक्शन रेशियोज। इसका डायरेक्शन रेशियो मैंने आपको पढ़ा रखा है, dr का मतलब i कैप का कोएफिशिएंट, j कैप का कोएफिशिएंट कॉमा k कैप का कोएफिशिएंट। ऑल दिस वन इज नोन एज dr, डायरेक्शन रेशियो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चेक कर लेते हैं, 7 माइनस 5 4, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब जरा अगर आप सीख गए तो एक सेकेंड में इसका रिप्लाई करिएगा, जल्दी से तुरंत अभी रिप्लाई करिए, कमेंट करिए, मैम होमवर्क वन, होमवर्क वन एंड करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी, सो दैट मैं समझ सकूं कि आप डी आर सीखे हैं या नहीं। अब कोसाइंस की बात कर लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस डी सी पूछा जा रहा ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये हमारा पॉइंट है ए और ये बी। सबसे पहले मैं ए बी वेक्टर लिख लेती हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मींस बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस इनिशियल, ये है फाइनल ये है इनिशियल। फाइनल मींस बी का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, इनिशियल मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। माइनस वन माइनस वन आई कैप, माइनस टू माइनस टू जे कैप, वन माइनस माइनस थ्री, वन माइनस माइनस थ्री के कैप। यही हो गया हमारा ए बी वेक्टर। कोसाइंस पूछा है, रेशियो नहीं पूछा है,
कोसाइंस के लिए मुझे मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी। मैग्नीट्यूड होगा माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर और फोर का स्क्वायर। 16 16 32 4 36 36 का रूट अंडर 6। 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36 36 का रूट अंडर 6। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलता है, मैं पहले ये निकाल दूं, ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, दिस अपॉन दिस माइनस टू आई कैप फोर जे कैप फोर के कैप बाय 6। माइनस टू अपॉन 6 आई कैप माइनस फोर अपॉन 6 जे कैप प्लस 4 अपॉन 6 के कैप। 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6। हमारा कंप्लीट आंसर होगा माइनस 1 अपॉन 3 आई कैप माइनस 2 अपॉन 3 जे कैप प्लस 2 अपॉन 3 के कैप। इसी में मुझसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है, आखिर क्या होता है डायरेक्शन कोसाइंस? होता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट, के कैप का कोएफिशिएंट। हमारा करेक्ट आंसर होगा -1/3 -2/3 2/3। करेक्ट आंसर आ चुका, फिर भी अगर आप चाहें तो एक बार क्रॉस चेक कर सकती हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे ए बी, ए बी कैसे निकलेगा? ये ए है 1 2 -3, ये बी है -1 -2 और 1, ये होगा -1 -1 -2 -2 -2 -4 1 + 3 = 4। 16 16 32 4 36 का रूट, परफेक्ट आंसर। क्रॉस चेक भी मैंने कर दिया, दिस वन इज कंप्लीटली परफेक्ट। मैंने दो और क्वेश्चन लिए हैं, सिर्फ इतना कर लेने से ये टॉपिक डन हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइंस का कंप्लीट यूज 3D ज्योमेट्री में एक बार फिर से होगा, समझ लेते हैं। अभी तुरंत आपको सिखाई थी ना डायरेक्शन कोसाइंस निकालना, आप सीख चुके हैं, इसलिए रिप्लाई करिए होमवर्क 2 एंड योर करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस पैटर्न के 3 क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हैं, 3 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ते हैं क्या है। राइट द वैल्यू ऑफ कोसाइन, मतलब कॉस ऑफ द एंगल विच द वेक्टर दिस वन मेक्स विथ वाई एक्सिस। कॉस ऑफ एंगल वाई एक्सिस, आप क्या पढ़े थे, एक्स एक्सिस के साथ के एंगल को अल्फा बोलते हैं, वाई एक्सिस के साथ के एंगल को बीटा बोलते हैं, जेड एक्सिस के साथ के एंगल को गामा बोलते हैं। अगर एक्स एक्सिस के साथ पूछेगा तो अल्फा बताएंगे, वाई एक्सिस के साथ पूछेगा तो बीटा कैलकुलेट करेंगे, जेड एक्सिस के साथ पूछेगा तो गामा कैलकुलेट करेंगे। यहां वाई एक्सिस के साथ पूछा है कोसाइन ऑफ एंगल बीटा, मींस कॉस बीटा पूछा जा रहा है। मैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट बता दूं, निकालूंगी कैसे। वेक्टर ए दिया है, मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूंगी, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन कोसाइंस पता चल जाएगा,
दिस अपॉन मॉड ए, दिस अपॉन मॉड ए, दिस अपॉन मॉड ए। डायरेक्शन कोसाइन का पहला कंपोनेंट कॉस अल्फा होगा, दूसरा कंपोनेंट कॉस बीटा होगा और तीसरा कंपोनेंट कॉस गामा होगा। समझ लेते हैं, यहां ये है वेक्टर ए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मैं निकाल लेती हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट और के कैप का कोएफिशिएंट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए रूट थ्री हो गया। अब वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस अपॉन दिस, आई कैप जे कैप के कैप अपॉन रूट थ्री। ये रिजल्ट आ गया वन अपॉन रूट थ्री आई कैप, वन अपॉन रूट थ्री जे कैप, वन अपॉन रूट थ्री के कैप। यही तो कोसाइंस है। यहां मैं कैलकुलेट कर ली, इसमें मैंने बताया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, आई कैप का कोएफिशिएंट कॉमा जे कैप का कोएफिशिएंट कॉमा के कैप का कोएफिशिएंट। इसी को बोलते हैं कॉस अल्फा, ये कॉस बीटा और ये कॉस गामा। अच्छे से समझिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछता एक्स एक्सिस के साथ का एंगल तो आंसर होता कॉस अल्फा इक्वल टू दिस वन। अगर पूछा है वाई एक्सिस के साथ का एंगल तो हमारा आंसर होगा कॉस बीटा इक्वल टू दिस वन। अगर पूछा जाता है कि जेड एक्सिस के साथ का एंगल तो हमारा होगा कॉस गामा इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोसाइन ऑफ एंगल विथ वाई एक्सिस मतलब कॉस बीटा पूछा जा रहा है, मैं लिखूंगी इसलिए कॉस बीटा इक्वल्स टू वन अपॉन रूट थ्री। कौन से ऑप्शन में है? वन अपॉन रूट थ्री सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्टिव था, मैं आपको सिखा रही हूं इसलिए धीरे धीरे कर रही हूं, अदरवाइज ये 10 सेकंड से कम का टॉपिक है। अब लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं धीरे धीरे। शो दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि कोसाइन ये आएगा, ठीक है, हम लोग प्रूफ कर लेंगे। गिवन क्या है? गिवन है वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, वेक्टर ए इज, ये मैंने मान लिया ए, नाम मैंने मान लिया, वेक्टर ए इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। क्योंकि ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है मतलब ये तीनों इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल है इट मींस ये तीनों भी इक्वल है, ये तीनों इक्वल है मतलब ये तीनों इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल है तो एज वी नो हमारे पास रिजल्ट है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वन। क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो मैं इक्वेशन वन यूज कर लेती हूं, यूजिंग वन। ये तीनों इक्वल है तो कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा के जगह पर भी अल्फा और गामा के जगह पर भी अल्फा, ये तीनों हो गया थ्री कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, थ्री कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। और यहां से कॉस अल्फा ये वन बाई थ्री, ये स्क्वायर इस तरफ आ गया वन बाई रूट थ्री।
फिर से यूजिंग वन, यूजिंग वन क्या बोला है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये तीनों इक्वल है। इक्वेशन वन कहता है ये और ये तीनों इक्वल है और इक्वल टू दिस वन है, आ गया कोसाइंस आ गया। अब पूछा है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3, कॉस बीटा की वैल्यू 1/√3 और कॉस गामा की वैल्यू 1/√3। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू एक्सेस आ गया 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। वही तो हमें प्रूफ करना था। इट मींस हमारा कंप्लीटली प्रूव हो चुका। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसे मैंने धीरे धीरे करके 4 मार्क्स में कंप्लीट किया है। अब क्योंकि आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया तो अब बारी है होमवर्क की। एक बात क्लियर कर दूं कि आप बच्चे अगर सिर्फ ये 5 क्वेश्चन मैंने करवाए, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया, कोई भी एग्जाम हो इसी साथ में 1 क्वेश्चन आएंगे। इस पैटर्न के 3 क्वेश्चन एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंड जेड एक्सिस के साथ, वो 3 तो इस पैटर्न पे आ जाएगा। अब बारी है होमवर्क की। होमवर्क तो ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए। होमवर्क में आप बना सकते हैं एनसीईआरटी से सॉल्व एग्जांपल 9। वैसे तो बना बनाया, लेकिन आप हमारे मेथड से केवल क्वेश्चन बुक का देखिए, सॉल्यूशन अपना करिए। 2 और क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13। एक क्वेश्चन आप मिसलेनियस एक्सरसाइज से भी बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। एनसीईआरटी से 4 क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन और इस पैटर्न के क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जेम्पलर में मिलेंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन 6 एंड 7, इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैं बता दूं आपको कि आज का टॉपिक आपका कंप्लीटली डन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, कमेंट करिएगा, रिप्लाई करिएगा कि आप बच्चे आज का लेक्चर सीख गए या कुछ कंफ्यूजन है। अगर डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस ग्रुप जो क्लास 12th का व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी डाउट हो आप बड़े आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।